हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम सॉल्यूट पर। देखो, स्टार्ट करते हैं आज से क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान देना जी, जैसा कि ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, कहने का मतलब ब्रह्मांड का वर्गीकरण। दूसरा, जो मूलभूत नियम है, जो सिद्धांत है, बेसिक लॉज, उनकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत या संकल्पनाएं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलो, सबसे पहली बात जो अपने सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वो होता है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, ध्यान देना। केमिस्ट्री को अगर अपन समझाएं तो अपन एक बात बोलते हैं कि ये एक ब्रांच है साइंस का, विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, मैटर का। किसका करते हैं, मैटर का। बोले तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है इसकी अभी बात करेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर, बोले तो द्रव्यों का अध्ययन ही रसायन है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा आगे। देखो, मैटर जो होता है ये आप सब जानते हो, द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य जिसका अपना द्रव्यमान होता है, बोले तो मास, और जो वो स्थान घेरता है, बोलो रे क्या होगा मैटर, बोले जिसका द्रव्यमान हो, बोले हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। द्रव्य, फिर से बोलो, द्रव्य क्या होगा, जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। जैसे बात करो किसी भी चीज की, बात करो, सपोज ये मार्कर देख लो, इसका अपना वेट है, इसका अपना भार है, और अगर मैं इसको रखता हूं तो ये अपनी जगह घेरता है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड का अपना भार है, इसने इतना स्पेस कवर कर रखा है, कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, मैटर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। जो मैटर होता है उसकी जो बेसिक, जो जनरल कंपोनेंट्स होते हैं, जो सामान्य घटक होते हैं, ध्यान देना, वो जनरली क्या होते हैं, एटम्स, परमाणु एंड मॉलिक्यूल्स। क्या क्या होते हैं, परमाणु तथा अणु, ये किसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं, मैटर के। तो अपन केमिस्ट्री को क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री को अपन बोल सकते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बोले तो परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान, ये भी क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान। इससे थोड़ा एक और बात करें अपन आगे बढ़े, तो यहां से थोड़ा ध्यान देना, मैटर, मैटर क्या बोला अपन ने, एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये क्या कहलाएगा, मैटर। अब अपन बात करें, तीन चीजें लिख रहा हूं यहां पे, थोड़ा फोकस करना, मैटर का कंपोजिशन क्या है, क्या बोला मैंने, मैटर का कंपोजिशन क्या है, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरा इससे क्या क्या रिएक्शंस देखने को मिलती है, कहने का मतलब कंपोजिशन बोले तो किस किस से मिलकर बना है, प्रॉपर्टीज क्या क्या उसमें, क्वालिटीज क्या, गुण हैं, और उसकी अभिक्रियाएं क्या है, इनका अध्ययन भी क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाती है। कितनी मैंने बातें बताई आपको, जरा बताओ, पहली बात
पहला पन्ने क्या बोला, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरी बात साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तीसरा पन्ने क्या बोला कि केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें किसी भी मैटर के कॉम्पोजिशन का, उसकी प्रॉपर्टीज का और उससे होने वाले रिएक्शंस का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है वो, केमिस्ट्री कहलाती है। छापो फटाफट, छाप लो। मैटर क्या बताया, जिसका मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लिख लो जी। आई बात समझ में, ये केमिस्ट्री की बात हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, यहां से अपन अपना आज का टॉपिक पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स लेते हैं, ठीक है। मिटा दूं, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान देना, यूनिवर्स की बात की जाए, अपन यहां पर केमिस्ट्री में इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फोकस करना, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मेरी बात को सुनेंगे, मैं आपके लिए टॉपिक को और उसके अंदर आने वाली टर्मिनोलॉजीज को, जो शब्द हैं उनको मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान, बाकी समझ आ जाओगे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को बेसिकली दो टाइप से अपन क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है, यहां पर क्या होता है, पहला मैटर, द्रव्य, पहला क्या होगा मैटर, और दूसरा क्या होगा एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो टू टाइप्स अपन ने यहां पर क्या किया, इसको क्लासिफाई किया, मैटर और एनर्जी। यहां पे अपन बात किसकी करेंगे, केवल मैटर की। ध्यान देना, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया, कोई पूछे मैटर क्या होता है, क्या बोलोगे, जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सब चीजें वो सब क्या होती है, मैटर कहलाती है, द्रव्य कहलाती है, जिसका द्रव्यमान और जो स्थान घेरता है। चलता हूं जी आगे, मैटर को फिर से क्लासिफाई किया, दो कैटेगरीज बनाई यहां पे। फर्स्ट जो है, फर्स्ट यहां पे होगा आपका मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा अपन बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन, बोले तो रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। अब इनको पढ़ना है अपन को, ध्यान देना। फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जब टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर और प्रेशर, बोले तो इनको मैं ऐसे लिख दूं, ताप व दाब, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो जी, फिजिकल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है, सामान्य ताप व दाब की परिस्थितियों, जब टेम्परेचर भी क्या हो नॉर्मल और प्रेशर भी क्या हो नॉर्मल, उस कंडीशन में अपन फिजिकल क्लासिफिकेशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। और यहां पर आप सबको पता है कि मैटर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जनरली तीन टाइप से यहां पर अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। बताओ कौन कौन से, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं सामान्य ताप, सामान्य दाब पर कौन कौन सी होती है। पहला यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट होगा सॉलिड, सेकंड होगा लिक्विड,
करेंगे इसकी, चैप्टर है ये आपके, तो सॉलिड लिक्विड गैस, बोले तो ठोस द्रव और गैस, थोड़ा थोड़ा इनका मैं यहां पे आपको आइडिया दूं। तो यहां पर इसको लिखते हैं अपन आगे, सॉलिड क्या होता है बच्चों, ठोस क्या होते हैं, जिनका क्या क्या फिक्स होता है, आयतन बोले तो वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, आयतन क्या हो, फिक्स हो, ठीक है, और क्या फिक्स होता है, और डेफिनेट शेप बोले तो निश्चित आकार, जनरल बात बता रहे हैं यहां पे, ठीक है। तो सॉलिड क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हो और जिनका आकार भी क्या होता है सॉलिड्स का, निश्चित होता है। एग्जाम्पल की बात करी जाए, सबको पता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं लकड़ी, कांच एक्सेट्रा, ठीक है, वुड ग्लास एक्सेट्रा, इन सबका आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है, बात समझ में आई क्या। चलो सेकंड लिक्विड की बात की जाए, लिक्विड में क्या नहीं होता रे, फिक्स क्या, डेफिनेट नहीं होता, बोलो इनका वॉल्यूम तो क्या होता है, डेफिनेट होता है, वॉल्यूम क्या होगा, डेफिनेट, क्या शेप डेफिनेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये डेफिनेट नहीं होगा, आकार अनिश्चित होता है, क्या निश्चित होता है, केवल आयतन निश्चित होता है। ग्लास है, कोई ग्लास जनरली 250 ml का है, ये फिक्स हो गया, ये वॉल्यूम फिक्स हो गया, अब इसमें आप पानी को डालोगे तो पानी का आकार ग्लास के आकार के जैसा हो जाएगा, अगर वही पानी अपन कटोरी में डाल दें तो आकार कैसा हो जाएगा, कटोरी के जैसा हो जाएगा, कहने का मतलब शेप फिक्स नहीं है, आई क्या बात समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर बताओ, पानी, पानी बोले तो वाटर, ठीक है, एक्वा पानी हो गया, मिल्क ले लो, एल्कोहल भी ले लो, दुनिया भाग रही है इसके पीछे अभी, पानी मिल्क और एल्कोहल, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है लिक्विड के। गैस से बता दो फटाफट, गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता रे, ना तो वॉल्यूम फिक्स होता और ना ही शेप फिक्स होगा, ठीक है। एग्जाम्पल बोलो, हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन गैस, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हो गए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा आपने, टेम्परेचर और प्रेशर की सामान्य बात की जाए, सामान्य परिस्थिति में बात की जाए, जब ताप भी क्या हो, नॉर्मल हो, ताप भी क्या हो, नॉर्मल, तब जो मैटर होगा वो फिजिकल क्लासिफाइड हो जाएगा थ्री कैटेगरीज में, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठोस द्रव और गैस, आई बात समझ में, चलें आगे, इसको बनाओ फिर इसका केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लिखो बच्चों फटाफट छापो इसको, चलें आगे, चलता मुझे, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहां से हटा रहा हूं, अपन बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर को फर्दर ध्यान देना यहां पे, मैटर को फर्दर आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, बोलो जी, रासायनिक वर्गीकरण, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे भाई, केमिकल क्लासिफिकेशन, अब समझो इसको, इसको फर्दर अपन कितने टाइप से डिवाइड करते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करना इस पे। केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप से,
पहला जो होगा वो होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। सेकंड जो यहां पर अपन लेते हैं वो होता है मिक्सचर, मिक्सचर। सेकंड क्या हुआ? मिक्सचर बोले तो मिश्रण, ठीक है। पहला हो गया प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या हो गया? मिक्सचर। बात की जाए प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन की, ठीक है, देखना जरा। अगर अपन बात करें प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है जरा देखो। यहां पे मैं इसको रेड मार्कर से लिख देता हूं। इसमें आता है पहले एलिमेंट्स, क्या होंगे? एलिमेंट्स। सेकंड यहां पे आएंगे आपके कंपाउंड्स, क्या होंगे जी? कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को क्या बोलता है हिंदी में? तत्व। कंपाउंड्स को यौगिक, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो प्योर सब्सटेंस की बात क्या है, पहले इसके बारे में पता करें। तो यहां पे अपन इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जो लिखना वो लिखते हैं भाई। देखो इधर देखना जरा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं समझना। वह मेटेरियल जिसमें क्या हो, ओनली वन सब्सटेंस हो, केवल खुद हो, अकेले का राज हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ओनली वन सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। देखो हो जाएगी चीजें फैमिलियर, हो जाओगे आप। पहले का देखो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं बताओ जरा, तत्व क्या होते हैं जिनमें क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। आई क्या बात समझ में? क्या बोला तत्वों को? तत्व वो होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के क्या हो? परमाणु हो, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। देखो पहला यहां पे लिखता हूं मैं इसमें मेटल, ठीक है, बोले तो धातुएं। दूसरा अपन लिखते हैं नॉन मेटल्स, हिंदी में बोले तो अधातुएं। मेटल्स नॉन मेटल्स, एक क्या बचा? मेटलोइड्स, मेटलोइड्स, ठीक है, उपधातुएं। ध्यान देना है मेटल्स। देखो मेटल्स के एग्जांपल बताओ फटाफट, कॉपर, जिंक, मरकरी, ये सब क्या है? मेटल्स है। अब अपन ने क्या बोला एलिमेंट्स में, आपकी थोड़ा ध्यान दो, एलिमेंट्स में आपने क्या बताया? एलिमेंट्स को जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के हो। तो यहां पे कॉपर, सपोज कोई कॉपर धातु है, कॉपर मेटल है, तो क्या उसमें जिंक का एटम होगा? ना, केवल किसका होगा? कॉपर का। आई बात समझे? अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन मेटल्स में आप क्या लिखते हो? एग्जाम्पल लिख लो इसके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सब भी क्या है? इनके ऑक्सीजन परमाणु है, केवल ऑक्सीजन है, केवल नाइट्रोजन परमाणु है, केवल क्लोरीन परमाणु है, ठीक है। मेटलॉइड्स में ये आपको पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे इनका, कि धातुएं पीरियोडिक टेबल में कहां पर है, अधातुएं कहां पर है, उपधातुएं कहां पर है, ठीक है। मेटलॉइड्स की बात की जाए एग्जाम्पल में, बोरोन, आर्सेनिक लिख लो, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? मेटलॉइड्स। आई बात समझने हो गया? क्या क्या बताया जरा इधर देखो। देखो भाई अपन ने यूनिवर्स को क्लासिफाई किया, किसने किया? मैटर और एनर्जी। मैटर को आपने बोला जिसका मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाते हैं। इसमें आपने फर्दर क्लासिफिकेशन किया फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, उसके बाद आप आए किस पे?
केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बात आपने किस किस की? सॉलिड, बोलो रे, लिक्विड और उसके बाद गैस। अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर बात की जाए तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो थ्री स्टेट की बात करता है। इसका ठोस, द्रव और गैस, इसमें मैंने आपको इनके बारे में बताया। इसके बाद अपन ने केमिकल क्लासिफिकेशन ये स्टार्ट किया है, जिसको फर्दर अपन ने दो टाइप से डिवाइड किया है। पहला हो गया प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें केवल एक ही पदार्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ। इसमें अपन ने आगे बात करी एलिमेंट्स की है और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स बोले तो तत्व। तत्व क्या होते हैं? क्या होते हैं तत्व? जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन आ गए? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलोइड्स, ओरोजी, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड्स, योगी, जो अपन को पढ़ना है। ध्यान दो जरा, क्या मैं इसको मिटा दूं? इधर से लिखो, फिर इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, कंपाउंड्स में क्या बोलोगे? पहले तो ये बता दो भाई, एलिमेंट में एक ही प्रकार के क्या थे? परमाणु थे। कंपाउंड्स में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे, ठीक है। क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम्स, और यहां पर मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। कहने का मतलब एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो या फिर अणु हो, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। उनको क्या बोलते हैं? यौगिक। क्या बोलते हैं जी? यौगिक। चलते हैं आगे। अब एक और खास बात, इनमें जो इनका मास होता है, इनका जो प्रोपोर्शन होता है, वो क्या होता है? फिक्स। फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। या ऐसे बोल दें कि जब भी अपन कंपाउंड बनाते हैं या दो एटम्स को मिलाकर, दो मॉलिक्यूल्स को मिलाकर कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। ये हो गई बात कंपाउंड की। कंपाउंड में आगे अगर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा जाए तो जनरली इनको दो टाइप से अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, और मैं इसको अब यहां से मिटाने जा रहा हूं। आप कंपाउंड को कंटिन्यू रखना। देखो ये आपका कंपाउंड यौगिक, क्या बोला? जिनमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु या अणु होते हैं और जिनके मिश्रण का अनुपात समान होता है, जो फिक्स या इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, क्या कहलाते हैं वो? कंपाउंड। ध्यान देना, बेसिकली बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो यहां से फोकस करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिंदी में क्या बोलते हो? कार्बनिक यौगिक। और सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले तो अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक बोले तो कार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकार्बनिक यौगिक। ध्यान देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसे बात करें पहले, तो ये कहां से मिलते हैं अपन को? तो बोला जाता है कि ये लिविंग सोर्सेस से प्राप्त होते हैं,
क्या बोलोगे? ऑब्टेन फ्रॉम, लिविंग सोर्सेस, सजीव स्रोतों से ये प्राप्त होते हैं। देखो एग्जांपल देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे बात करें ग्लूकोज C6H12O6, ये किसका एग्जांपल हो गया आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक और एग्जांपल यहां पे मैं बताऊं तो यूरिया, फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का? सूत्र होता है NH2CO NH2। ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से प्राप्त होते हैं जी? बोलो, लिविंग सोर्सेस से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अगर बात करें, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो C6H12O6 एक से अधिक प्रकार के क्या हो गए? एटम्स हो गए। प्योर सब्सटेंस का ये था, किसमें पढ़ रहे हैं अपन? प्योर सब्सटेंस में, जिसमें क्या था? एक ही सब्सटेंस हो। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज में केवल ग्लूकोज ही होगा, उसमें और कोई चीज नहीं होगी, तब ग्लूकोज को आप क्या बोलोगे? प्योर सब्सटेंस। फिर अपन ने पढ़ा एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब एक ही प्रकार के परमाणु हो। अब पढ़ रहे हैं यौगिक, कंपाउंड जिसमें एक से अधिक प्रकार के क्या हो? परमाणु हो। आई बात समझ में? तो इनको अपन किसमें पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, चलता हूं आगे, बात की जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये नॉन लिविंग सोर्सेस से आपको प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल पे आए तो सॉल्ट NaCl, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है जी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हो गया काम ये? तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्योर सब्सटेंस। केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मेंटर का, दो टाइप से था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में आपने बात की एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में सॉलिड मेटल्स पढ़ के आए, नॉन मेटल्स पढ़ के आए और मेटलर्स पढ़ के आए। इसके बाद आप किसमें आए? कंपाउंड्स में, बताया क्या होते हैं ये। उसके बाद आपने पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई बात समझ में? लिखो जरा इनको, चलता हूं फिर आगे। चलते हैं मिक्सचर पे आते हैं। ठीक है, मिक्सचर पे ध्यान देना, जो सेकंड है अपना मिक्सचर, हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, देखो आपने बात की थी इधर, किसकी बात की थी? प्योर सब्सटेंस की, जिसमें बोल के आए केवल एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। ठीक है, यहां पे अपन बात करेंगे मिक्सचर। ठीक है, देखो मिक्सचर क्या होते हैं? जिसमें एक से अधिक प्रकार के, ठीक है, कंटेंस मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक से अधिक प्रकार के जिसमें क्या हो? पदार्थ हो, क्या कहलाता है भाई? मिक्सचर कहलाता है। हो जाएगा। एक और बात है इसमें जो आपको याद रखनी है, इसमें जो इनका प्रपोर्शन होता है, या बोले कि जो रेशियो होता है वो निश्चित नहीं होता, नो फिक्स प्रपोर्शन।
इसका मतलब देखो, ये जब आप मिक्सचर बनाओगे, दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाकर कोई मिश्रण बनाओगे, तो मिश्रण में उनका जो अनुपात होगा वो फिक्स नहीं होगा, ठीक है? उनको अपन क्या बोलेंगे? मिश्रण। क्या बोलेंगे उसको? मिश्रण, ठीक है। चलता हूं आगे, इसके क्लासिफिकेशन की बात की जाए। देखो जरा, मिश्रण को क्लासिफाई करते हैं आगे दो कैटेगरीज में। देखो जरा, मिक्सचर फर्दर क्लासिफाई, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर। क्या होता है जी? होमोजीनस मिक्सचर। फर्स्ट, समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। इसको मैं डाल दूं चलो। और दूसरा, सेकंड है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। क्या होगा? इधर देखो जरा, क्या बात होगी? जो होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट होंगे, क्या होंगे? कंपोनेंट, उनका फिजिकल स्टेट, उनका क्या भाई? फिजिकल स्टेट क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म। हिंदी में देखो, समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें जो घटक होते हैं उनकी भौतिक अवस्था समान होती है, घटकों की भौतिक अवस्था समान होती है। नहीं आया समझ? इधर देख, एग्जांपल, एग्जांपल देख, वाटर पानी में क्या मिलाने जा रहा है? तो एल्कोहल मिला दे, पानी में क्या मिला दिया? एल्कोहल। एल्कोहल नहीं मिलाना भाई को, तो भाई मिला देगा मिल्क, ठीक है? क्या हो गया? पानी भी लिक्विड है, एल्कोहल भी क्या है? लिक्विड। कहने का मतलब कंपोनेंट जिनकी फिजिकल स्टेट क्या हो? समान हो। कंपोनेंट जिनकी फिजिकल स्टेट क्या हो? समान हो, उसको क्या बोलेगा? समांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही है क्या? अब आगे बढ़ता हूं, हेट्रोजीनस में क्या हो जाएगा? देखो, लिख लिया इधर वाला, इधर देखते हैं हम, ये एग्जांपल हो गया इसका, वाटर एल्कोहल, वाटर मिल्क, ठीक है? अब देखो जरा, हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर में यही लिख दे रहा हूं मैं इसको, विषमांगी मिश्रण किसको बोलते हैं भाई? कंपोनेंट जिसके कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होते हैं? जिससे मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। कंपोनेंट जिनका फिजिकल स्टेट यूनिफॉर्म नहीं होता, जिनका फिजिकल स्टेट क्या नहीं होता भाई? एक समान भौतिक अवस्था नहीं होती, ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं? विषमांगी। क्या कहलाते हैं? ये विषमांगी मिश्रण, ठीक है जी? देखो एग्जांपल की बात करें, अब देख इधर, वाटर में तू डाल दे, मिट्टी डाल दे, पानी में मिट्टी कैसा कैसा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण। बोलो ना, देख वाटर का क्या क्या फिजिकल स्टेट? लिक्विड है, सैंड। मिट्टी का क्या होता है? ठोस। ये हो गया आपका लिक्विड, ये हो गया सॉलिड। क्या इनका फिजिकल स्टेट एक है क्या? नहीं है ना, तो क्या हो गया? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर, ऐसे कंपोनेंट जिनका फिजिकल स्टेट यूनिफॉर्म नहीं होता। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, यहां पे फोकस करना जरा, ब्लड, खून, रक्त, वो भी कैसा एग्जांपल होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर का, ठीक है? एक और एग्जांपल लिखो, हवा, एयर, ये भी कैसा एग्जांपल है? हेट्रोजीनस मिक्सचर का। गैस, गैस में पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, इसलिए ये क्या बन गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर। इधर देखो जरा, पेट्रोल, पेट्रोल भी कैसा है?
हेटरोजीनस मिक्सचर हो जाएंगे बहुत। ये बात थी, ये किसकी बात थी भाई, आपके कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। क्वेश्चन करोगे क्या, एक क्वेश्चन यहां पे करके बता दो, पहले कहीं उतारो आप, फिर एक बार आपको रिकैप करवा दो पूरा टॉपिक, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, जल्दी से बना लो। मिटा दूं, चलो करते हैं रिवीजन साथ साथ करते हैं अपन। आपने लिख लिया होगा नोटबुक में, चलो स्टार्ट हो जाओ। बताओ फटाफट बताओ क्या पढ़ा सबसे पहले यार, केमिस्ट्री क्या है भाई? केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, केमिस्ट्री मैटर का स्टडी है। मैटर क्या, मैटर कुछ नहीं है, फिर है क्या, मैटर है जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई हो, वो सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। चलो बहुत बढ़िया माना सर, केमिस्ट्री बता दिया आपने, मैटर बता दिया, उसके बाद आप किस पे आए थे, उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का वर्गीकरण। ब्रह्मांड के वर्गीकरण में अपन ने दो इसको क्लासिफाई किया, अब बताते रहो फटाफट। पहला हमने किसने किया इसको, मैटर में, दूसरा एनर्जी में, अपन ने पढ़ा किया मैटर। मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या बोला हमने, बोलो जी, थ्री टाइप से किया, सॉलिड लिक्विड के गैस जनरली, ठीक है। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में आप आए, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा आपने, एक पढ़ा एलिमेंट्स जिनमें एटम्स एक ही प्रकार के होते हैं, और जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक से अधिक प्रकार के हो जाए आइटम क्या होगा, कंपाउंड, क्या बोलेगा इसको, कंपाउंड। यहां पे बोला मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा रे, इसके बाद आपने क्या पढ़ा जरा बोलो, देखो सुनो यहां पे गड़बड़ कर दी ना, केमिकल क्लासिफिकेशन था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का, हुई गड़बड़, देख प्योर सब्सटेंस को ऐसे किया, फिर मिक्सचर में क्या क्या पढ़ के आया, होमोजीनस और हेटरोजीनस, ऐसे रिवीजन करना है आपको, हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके बता दो इसका फटाफट, फिर लेक्चर को करते हैं खत्म। देखो जरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर, हिंदी में क्या बोलेगा, ताप की और दाब की सामान्य परिस्थिति में कौन सा मैटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन तेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहे भाई कौन कौन से, सॉलिड लिक्विड गैस और बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू।